Hello everyone, welcome to chemistry classes. Dear friends, आज हम इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं. क्वेश्चन हमारा प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल. यह एक इरेशनल नंबर है, इसको हमें प्रूव करना है. ये इरेशनल है ये तो हमें पता है नहीं, लेकिन ये इरेशनल है इसको हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जब भी ऐसे नंबर्स हमारे पास मिलेंगे कि यह इरेशनल है, इसको प्रूव कीजिए. है इरेशनल, लेकिन हमें प्रूव करना है कि इरेशनल है. ठीक, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इरेशनल नहीं है. ठीक है, लास्ट में जो हम एज्यूम करते हैं, मानते हैं, यह कंट्राडिक्ट करेगा और फिर यह इरेशनल प्रूव हो जाएगा. ठीक है, तो इफ पॉसिबल लेट root 2 be a rational number. ठीक है, और अगर एक rational number है तो इसका simplest form क्या होगा, p by q. नहीं, if possible let root 2 be a rational number and its simplest form, right? It's simplest form is P by Q. ठीक है, अब simplest form की बात जब हम करते हैं किसी भी रैशनल नंबर में, तो क्या होता है कि ये P by Q का form जो हमने कहा, यह दोनों ही integer होते हैं. Q zero के equal में ही होता है, तभी वो रैशनल बनेगा. दोनों इंटीजर होंगे और क्या होगा, तो इन दोनों का HCF 1 होगा. मतलब क्या, ये दोनों को प्राइम होंगे. मींस व्हाट, 1 के अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं होगा. ठीक है, देन यहां पे लिखते हैं, देन P एंड Q आर इंटीजर्स. P and Q are integers and there is no common factor. There is no common factor of P and Q other than 1. ठीक है, 1 के अलावा कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर p और q का नहीं होगा. ठीक, यहां पे यह भी लिख सकते थे, एंड p एंड q आर को प्राइम्स, ये भी चलता है. या आप ये भी लिखोगे, लिख सकते हैं यहां एंड के बाद, एंड द hcf ऑफ p एंड q इज 1. तीन में से कोई एक सेंटेंस लिखोगे, तीनों का मीनिंग सेम है. ठीक है, hcf इज 1 लिख सकते हैं, P and Q are co-primes लिख सकते हैं, and there is no common factor of P and Q other than 1, ये भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब now root 2 equal to क्या हो गया, P by Q. ठीक है, दो साइड स्क्वायर कर दीजिए. ठीक है, या पहले से उधर ले आएंगे, root 2 q equal to p होंगे. ठीक है, squaring on both sides, squaring on both sides, we have what, root 2 q का square करेंगे तो क्या होगा, ऐसा होता है equal to p square. रूट टू का स्क्वायर क्या होता है, टू, टू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर. नहीं, मींस व्हाट, कि टू डिवाइड्स पी स्क्वायर, बिकॉज़ टू टू क्यूब स्क्वायर को डिवाइड करेगा ना, जब टू टू क्यूब स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा.
ठीक है, अब इसके बाद हम लिखते हैं दिस इंप्लाइज टू डिवाइड्स पी स्क्वायर, राइट, टू क्यू स्क्वायर को तो डिवाइड करेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं, टू का मल्टीपल है, टू से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो टू टू क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो टू पी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, तो किसके इक्वल है, नहीं तो पी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, और अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो टू पी को भी डिवाइड करेगा, टू डिवाइड्स पी, टू डिवाइड्स पी स्क्वायर दिस इंप्लाइज टू डिवाइड्स पी, ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब लेट कर लीजिए इसको, आप रख लीजिए इक्वेशन नंबर वन, यहां जो हमने किया ना इसको आप इक्वेशन नंबर वन रख लीजिए, इसमें क्या कीजिए पी स्क्वायर की जगह पी और क्यू के अलावा कोई और एक नंबर हम रख लेते हैं, ठीक है, तो पुटिंग in equation 1 we have, ठीक है, हम देखना चाहते हैं कि क्या p भी p अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या q भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, अगर q डिवाइड हो जाएगा तब काम खत्म, और इसीलिए हमने p की जगह कुछ दूसरा रख दिया कि अब देखते हैं कि क्या q डिवाइड हो रहा है, तो p की जगह अगर 2 का मल्टीपल रखते हैं चेक करते हैं 2 के मल्टीपल को रख के कि क्या 2 डिवाइड होगा, अगर यहां 2 डिवाइड हो गया इसका मतलब है कि इसका कोई ना कोई इसका एक और कॉमन फैक्टर हो जाएगा, नहीं देखते हैं क्या 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, पी की जगह क्या रखना है 2 आर स्क्वायर, ठीक है, अब क्या हो गया 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 आर स्क्वायर, नहीं 2 जब इधर आएगा तो क्या बना q स्क्वायर इक्वल टू 2 r स्क्वायर, ये क्या शो करता है 2 डिवाइड्स r स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स q, नहीं 2 p को भी डिवाइड किया 2 q को भी डिवाइड किया, नहीं तो अब p और q का कॉमन फैक्टर 2 हो गया, 2 हो गया कि नहीं हुआ, नहीं तो अब यहां पे हम लिखेंगे क्या 10 2 is a common factor of P and Q, ठीक है, ये तो कंट्राडिक्ट किया ना, क्योंकि हमने यहां पे क्या लिखा था देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q अदर देन 1, लेकिन हमें यहां क्या मिला P और Q का एक कॉमन फैक्टर 2 ही है, मतलब क्या कि दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट ना, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम्स और देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू अदर देन 1, नहीं इस फैक्ट को ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, और जब ये कंट्राडिक्ट किया तो कंट्राडिक्शन क्यों आ हुआ था, बिकॉज़ हमने क्या लिख दिया कि पॉसिबल दिस इज अ रैशनल नंबर, नहीं तो इसकी वजह से ये कंट्राडिक्शन आ रहा है, मतलब क्या ये रैशनल नहीं है, तभी तो कंट्राडिक्शन हो गया, अगर रैशनल नहीं होता तो कंट्राडिक्शन नहीं होता, नहीं तो अब क्या होगा, अब आगे हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हमें लिखना क्या है कि दिस इज अ कंट्राडिक्शन या दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट देयर इज no common factor of P and
थैंक यू। अदर दैन वन ठीक है। दिस कंट्राडिक्शन अराइजेस by assuming root 2 as a rational number hence root 2 is an irrational number. ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया रूट टू एक इरेशनल नंबर हो गया। यही जब कर दिया रूट थ्री प्रूव करना है, रूट फाइव प्रूव करना है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहां p इक्वल टू 3r पुट करेंगे। ठीक है, p इक्वल टू 5r पुट करेंगे। ठीक, तो जो रूट थ्री रहेगा तो 3r पुट करेंगे, रूट फाइव रहेगा तो 5r पुट करेंगे। ठीक है ना, इस तरह से हमें आगे बढ़ना है और इसमें प्रूव करना है। तो इसमें आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी आपसे रूट टू पूछा जाएगा, रूट थ्री होगा, रूट फाइव होगा, रूट सिक्स होगा, रूट सेवन होगा, रूट एट भी हो सकता है, ठीक है, रूट टेन भी हो सकता है। ठीक, तो इस नंबर को देख के घबराना नहीं है, सबका प्रोसेस सेम है, बस यहाँ पे नहीं चेंज करना है। रूट सेवन पूछ दिया, यहाँ पे आप सेवन आ कर दो। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप इसको पूरा कंप्लीट करेंगे और इससे एक क्वेश्चन रखना ही रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन फिक्स है, दो या तीन मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड गेट गुड मार्क्स।